सर का पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर काशीकर बोलता है। मैं मिनिस्टर साहब का पीए बोल रहा हूँ। हाँ, यस सर। काशीकर ध्यान से सुनो। हेलो साहब, क्या हुकुम है साहब? हाँ जी, हाँ साहब, हो साहब। समझ गए ना, 4:30 PM। हाँ जी साहब, ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम सर, मैं इंस्पेक्टर काशीकर। मिनिस्टर साहब का फोन आया था, मैं आपका इंतजार कर रहा है। यस प्लीज। आइए आइए, योर हाइनेस मोस्ट वेलकम। आइए आइए, सर लाओ जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये देखिए। ऐसा तामा पिदोला मत चाकुर ना पड़े। ये क्या दिखा रहे हैं? ऐसा सोना तो सरकार के नौकर चाकर पहनते हैं। अजी 24 कैरेट का सोना है। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल। ये रॉयल बंगाल टाइगर हैं। अरे और डब्बे दिखाइए, और माल दिखाइए। अरे इनको दिखाने में गड़बड़ करेगा ना तो मिनिस्टर की दया से ये दुकान नहीं रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अरे और लाओ, हाई क्लास लाओ, लाओ लाओ लाओ। यानस ये देखिए, एटा हीरार जन्न। हां यानस ये देखिए, ये तो कमाल का है। एटा लिलीर जन्न। बड़ा लाख बड़ा लाख। यानस ये देखिए, बलोच बलोच। एटा मोती जन्न। मोती के लिए। आपके हीरा मोती और लिली ये पहनकर राजा लगेंगे राजा। शट अप। हीरा अमर कुकुर। हीरा कुत्ता है। लिली अमर बिल्ली। लिली बिल्ली है। और मोती अमर घोड़ा। मोती घोड़ा है। इतने कीमती जेवर जनाब, कहा ना ये रॉयल बंगाल टाइगर है। टोटल बोलो, टोटल बोलो। 46 लाख ऑफ रुपीज ओनली। 50 लाख टका के दिए। यस योर हाइनेस, यस। ये लीजिए साहब, पूरे 50 लाख रुपए। 50 लाख। 3 लाख रुपया आपका नेक्स्ट टाइम का एडवांस, और जो 1 लाख रुपया। इंस्पेक्टर। यस सर। 1 लाख टका स्त्री जिनिस पत्ते। 1 लाख रुपए की अपनी वाइफ और बच्चों वगैरह की शॉपिंग मेरा कर लीजिए आप। और 20-25 हजार जो बेचे जाए इधर टिप दिए। और जो 25 बच जाए उसकी टिप वगैरह वॉचमैन को, सेल्स गर्ल को। ओके, थैंक यू साहब। कार इज वेटिंग सर। बंद करो, बंद करो, बंद करो। थैंक यू। अरे 37 लाख का माल 46 लाख में चिपका दिया, और वो भी ब्लैक और बगैर रसीद के। अरे खूब उल्लू बनाया। Numbri Aadmi, Numbri
मुझे नंबरी कहो या दस नंबरी कहो पर सच्ची बात सुनाता हूँ। यहाँ लोग हैं किस किस नंबर के सबके नंबर गिनवाता हूँ। मुझे नंबरी कहो या दस नंबरी कहो पर सच्ची बात सुनाता हूँ।
ए राकेश जी। शंकर भैया, बस्ती के बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें और ये सब बांट दो, और बड़े बक्से में रहीम चाचा की बेटी की शादी के लिए सामान है। ठीक है शंकर भैया। अच्छा हुआ शंकर बेटा तुम आ गए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम घबराई हुई क्यों? बेटा बिजली शांति को 20 रुपए देकर उसके बच्चे को ले गए, कह रही थी काम बन जाने पर 80 रुपए और देगी। सुबह से दोपहर होने को आई, अभी तक उसका पता नहीं। लेकिन तुम्हारी लाडली गई कहाँ? कह रही थी सिंधियों की शादी में लेन देन अच्छा होता है। अच्छा सिंधियों की शादी में लेन देन? अरे बाबा झगड़ा बगड़ा बाद में करो, नहीं जल्दी चलो, शादी का टाइम होता है। हेलो शादी नहीं हो सकत। अरे कैसा बात करता है, झूले लाल की कृपा से मेरा बेटा एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल है। अरे ये का कैरेक्टर एकदम डामाडोल है। अरे प्यार हमने साथ किया, शादी का सपना हमका दिखाया, और जब बच्चा हो गया तो शादी का मंडप कहीं और सजा। हाय राम, हमरी तो किस्मत फूट गई रे। देख लक्ष्मी, तुम्हार बाबा हमको धोखा दिया है रे। अरे बाबा ये छोकरी कौन है तू? भूल गया क्या? अरे रोज हमका फाटक पे मिलता था, प्यार का नाटक करता था, मोहब्बत का क्रिकेट खेलता था, और अब ये स्कोर बना के दूसरा मैदान में खेलने जा रहा है। बड़ी रमेश ये तूने क्या गड़बड़ किया है? अगर दूर वालों को मालूम पड़ेगा ना कि छोकरा सेकंड हैंड का है, तो दहेज का जो झूला है ना हल्का हो जाएगा, हल्का। अरे बाबा ललवानी है छोकरी, झूठ बोलती है नी? तो सच बोलता है? बिल्कुल सच बोलता है, पूछो पूछो इसको। अरे हमारी जवानी पर छोकरी मार के क्या छोकरी छोकरी कर रहा है? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हमारा बच्चा तो 2 दिन से भूखा है, हम दोनों माँ बेटी म्युनिसिपैलिटी का पानी पी पी के जी रहा है। अरे 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 कितना दुख का बात है, मेरे से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ये लो 5 रुपया और। अरे ओए कंजूस मारवाड़ी, ये का है सिर्फ 5 रुपया? अरे अरे प्यारी धीरे बोल धीरे, ये ले 500 रुपया और हलो हलो चलो, और हमारा पीछा छोड़ माई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। ठहरो इंस्पेक्टर। नहीं तुम इसके बच्चे की माँ हो और इस घर की बहुरानी। नहीं नहीं साहब, बाबूजी इतने में हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ नो नेवर, हम ये मुट्ठी भर रुपए से तुम्हारा लाइफ खराब होने नहीं देगा, तुमको पत्नी का हक दिलाएगा। अरे बाबा ललवानी ये क्या बोलता है? शट अप। अरे बड़े इंस्पेक्टर साहब। चलो तुम दोनों पुलिस स्टेशन चलो, और तुम भी चलो, हम तुम्हारा सिविल मैरिज करवाएगा और तुमको पत्नी का हक दिलाएगा। तुम दो दो शादी करता है? कौन बाबा? दूसरी शादी करने का प्रोग्राम बना रहा था? नहीं नहीं बाबा, हम जानता तुमको अच्छी तरह, पुलिस स्टेशन चलो। चुप बैठ, जल्दी चलो। दिलदार खान के हॉस्पिटल में तेरे भाई को नशे की आदत खा रही है और तू यहाँ चोरी चकारी कर रही है। शंकर जब भाई को नशा खाने की आदत लग गई ना, तब बिजली को भी चोरी चकारी की आदत लगानी पड़ी। किधर से लाओ खर्चा पानी, रोड पे धंधा पानी करूं क्या? अरे किसी दिन पकड़ी गई तो अच्छा हुआ वक्त आ गया, वरना अभी जल की रोटी खा रही होती। अपने भाई के लिए जिंदा हो, नहीं तो मरने के वास्ते कितना टाइम लगता है। हाँ ये बता ये धंधेबाजी तू सीखी कहां से? अपना एक गुरु है बिड़ू, गुरु। ये कौन है? क्यों खोपड़ी में भेजा घूम गया ना, ये अपनी उंगली पे सारी दुनिया घुमाता है, अमीर लोगों की तिजोरी का नोट अपनी जेब में पलटाता है, इसे तो कानून भी घबराता है। ये तो अपना उस्ताद है, गुरु है, ये तो बड़ा बड़ा हाथ मारता है, अपन छोटा छोटा मारता है। बिजली तू? अरे हिल गया क्या? अरे घबरा मत रे, ये अपन की पेट की चक्की चलाने का रास्ता है, लेकिन दिल की चक्की में तू फंसे ला रे, है कि नहीं? क्या कह दी? काय को उस्ताद देख रहा है इसलिए शर्म आती है, चल आंखें बंद कर। क्यों? मेरे को एक चीज लेनी है। क्या? पप्पी। शर्म नहीं आती?
लड़की होकर ऐसी बातें करती है? क्यों, तेरे को शर्म नहीं आती? लड़का होकर ऐसी बातें नहीं करता, गली के काले पीले बच्चों को गाल पे पप्पी देता है और बिजली को। ए, ए, तू क्या पागल हो गई? उस्ताद देखेगा तो क्या बोलेगा रे? उस्ताद बोलेगा बिजली रोमांस में चकरा गई और उस्ताद की चक्करबाजी में शहर की वर्दी। रंजीत मेरा हीरो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मगर ये रात को रोज रोज चार चार बजे आना कहाँ का टाइमिंग है? ये जवानी का टाइमिंग है। और ये क्या है? ये पिएगा तो तेरा सेहत गिरेगा बेटा। डैड, जब देसी दारू पीने के बाद आपकी सेहत को कुछ नहीं होता, ये तो फिर भी विलायती है। मगर तू विलायती नहीं है बेटा। देख, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और फिर तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं जो कुछ भी करता है सिर्फ तेरे लिए करता है, ताकि तू अच्छा कपड़ा पहन सके, अच्छा जूता, अच्छा गॉगल, अच्छा घूमना फिरना, और फिर तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। अरे मेरे तो अब ये मेरे हो गए डैड। ठीक है तेरे हो गए, लेकिन मैं दुनिया की जेब काटता है, तू मेरा जेब काटता है। डैड, बज गई आपकी घंटी। हाँ बज गई। आज बहुत बड़ा मीटिंग है आईजी साहब के साथ, वो भी नंबरी आदमी के बारे में। भाई वाह, हम इंसानियत के दायरे में रहने वाले इंसानों को नहीं संभाल पाते, और तुमने जंगल के इतने खतरनाक जानवरों को संभाल लिया। हाँ सर, क्योंकि हम खिलौनों से नहीं खतरों से खेलकर जवान हुए हैं। इसीलिए कानून से खेलने वाला जब तुम्हारे मैदान में आता है तुम उसका भी इसी तरह पसीना निकाल देते हो। पसीना और खून बहाना तो मर्द का पैदाशी फर्ज होता है सर। फाइल विजय, ये उस नंबरी आदमी की फाइल है जो कानून पे टूटा हुआ एक तूफान है जी, और आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में जमाया हुआ हमारा विश्वास खत्म कर रहा है जी। इतने नहीं, अखबार वाले भी हम पुलिस वालों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। माफ कीजिए, आपकी छुट्टियां खराब करने चले आए। ये छुट्टियां मनाते कहां हैं, ये तो नींद में भी चोर डाकुओं को पकड़ते रहते हैं। अरे भाई, वो तुम्हारा लाडला नजर नहीं आ रहा। भाई, इनके बेटे के साथ कुछ नाश्ता कर रहा होगा। अरे हम कोई जंगली घोड़े थोड़ी ना है जो भैया ने रस्सी खींची और बकरी की तरह उनके बस में आ गए। नमस्ते भैया। नमस्ते। नाश्ता वास्ता किया तुम लोगों ने? जी बिल्कुल। आइए आइए, बाय। जाओ बेटे। बेटी ख्याल रखना अपना। बाबू जी सच कहता हूं, किसी बेटे को अपनी मां से इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना राज को आपसे मिला। क्या करें भाई साहब, हमारी तकदीर में जो औलाद नाम का गहना है वो ही राज है। अरे भाई तुम नाश्ता तो खोलो, बाद में फाइल पढ़ लेना। सॉरी सर, आप लीजिए ना प्लीज। इनकी पहली पत्नी आई है ना, मैं तो दूसरी पत्नी हूँ। अरे क्या क्या क्या, अगर तुम हमारी दूसरी पत्नी हो तो फिर हमारी पहली पत्नी कौन है, कहाँ है, किधर रहती है? वो यही रहती है, इसी घर में रहती है, उसका नाम है वर्दी। अरे भाभी आपने ये कहकर हमें खामोखा डरा दिया। चलो ऐसा करो, इनके दिमाग से शैतान दौड़ाने के लिए एक फर्स्ट क्लास कॉफी ले आओ। अच्छा, थैंक यू। लीजिए सर, आई एम सो सॉरी, लीजिए ना। सर, इस नंबरी आदमी ने ना कभी किसी शरीफ आदमी की जेब की तरफ देखा है और ना ही उसकी तिजोरी की तरफ। इसने जिसके साथ भी जुर्म किया है वो सब के सब एक नंबर के दो नंबरी हैं।
ऐसा लगता है कि ये उन सब की कुंडलियों को अच्छी तरह जानता है और अब दीमक बनकर एक के बाद एक सारे काले बाजारियों को खत्म करता जा रहा है। वो चाहे काले चोर को लूटे या साहूकार को, जुर्म आखिर जुर्म है और मुजरिम आखिर मुजरिम। मैंने उनसे बहुत ढूंढा बाबा, एक बार वो मेरी नजर के सामने आ जाए, चाहे वो पाताल लोक में क्यों ना छुपा हो, तुम्हारा बेटा शंकर दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा। शंकर, शंकर, क्या बात है शंकर, क्या फिर वही सपना देखा? आखिर कौन है वो भूत की औलाद जो हर रात तेरे को डराता है? सारा एक बार मेरे को दिख गया ना तो खोपड़ी उड़ा कर रख दूंगी, पता कौन है वो? बस है एक शैतानी तस्वीर। आज क्या बात है यार, एयरपोर्ट पे बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी है। हाँ, खबर मिली है कोई बहुत बड़ा स्मगलर करोड़ों रुपए के हीरे लेकर लंदन से हिंदुस्तान आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस, आप जरा इधर आएंगे? ऑफिसर, स्पेशल चेकिंग करने का इरादा है क्या? ओह नो सर, जस्ट रूटीन चेकिंग। भाई मैं तो हमेशा ग्रीन चैनल से ही पास होता हूँ। आओ बेटी आओ। योर डॉटर? यस सर, विदेशी हवा ने हमें बूढ़ा ही नहीं होने दिया। यस सर, पासपोर्ट दिखाओ। ऑफिसर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कामयाबी। कभी आप स्मगलर को पकड़ के खुश हो जाते हैं और कभी स्मगलर आपकी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। मगर डैडी, लोग स्मगलिंग करते क्यों हैं? बेटा, ये तो किसी कामयाब स्मगलर से ही पूछना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैब। ओह शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए? तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार कसूरवार और गुनेगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीकर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। और तुम्हारे सामने नंबरी आदमी हमारी खाल उधेड़ कर चला गया और तुम गुस्सा थूक दो। राणा साहब, मैं ही बोलता गुस्सा थूक दो। वो नंबरी आदमी एक ना एक दिन अपने हाथ में आने वाला है, क्योंकि उसका फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गया है। अगर नंबरी आदमी की फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गई है तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि एसीपी विजय प्रताप हमारे हाथ में आ जाएगा और नंबरी आदमी कानून के शिकंजे में। राणा साहब, एसीपी विजय प्रताप सिंह आज रात को पार्टी में आ रहे हैं। एक मिनट, आइए आइए एसीपी साहब। नमस्कार राणा साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी महान हस्ती ने मेरी दावत कबूल की।
अरे राणा साहब, आप जैसे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी, ये है मिस्टर एंड मिसेस विजय प्रताप सिंह जी। हेलो। ये मेरी बेटी संगीता है और वो रहा आपका भाई राज। भाई साहब, राज नहीं, हमारे घर का चिराग है वो। बिल्कुल, वो आपके घर का चिराग है और ये मेरी आंखों की रोशनी है। और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो कैसा रहेगा। राणा साहब, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूध में दूध मिले, शहद में शहद और पानी में पानी। हो गया, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर, सच्चाई का लोशन लगा को ये डायरेक्ट राणा साहब के छाती में मारे ना तुम। आपकी तारीफ है, कमाल है। मेजबान मेहमान को पहचानने में इनकार करते हैं, कमाल है। कसूर तो मेरा ही है ना। देखो, जमाना खूबी में दो की जगह 10,000 अखिया लगाया ना, तब भी मेरे को नहीं पहचानती। मैं हैदराबादी दिलदारपुर का दिलदारी दिलदार खान हूँ। हैदराबाद का चार मीनारा किधर से भी देखो, 3 इंच दिखाई देना, मैं वही चेक मीनार हूँ। कोई भी देखने की कोशिश करे, मैं छुप जाता ना। सुना तुम्हारी पोती आई लंदन से, बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको आया ना मैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ जी, अमीर लोगों को ये दौलत मिलकर बहुत खुशी होती ना, आपको मुझे मिलकर कमाल हुई ना। वैसे खान साहब, आप भी शहर की बहुत बड़ी हस्ती लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, ये बहुत बड़ा आदमी है, सोशल वर्कर भी है, हॉस्पिटल चलाता है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हाँ साहब, हीरोइन कोकीन खाकर बीमार होते हैं ना, उनको बचाने के लिए। ओह, तो आप दुनिया के दर्द का इलाज भी करते हैं। हाँ जी, ये दुनिया के दर्द का क्या, हम तो खुशी का भी इलाज करते ना। ऐसे ऐसे बैंड बजाते कि दुनिया नाचती। Thank you.
सीने में दिल में है अरमा, अरमा में है कोई प्यास, प्यासे है अरमा जिसके लिए वो है यही आस पास। सीने में दिल में है अरमा, अरमा में है कोई प्यास, प्यासे है अरमा जिसके लिए वो है यही आस पास। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, सूरत क्या है चेहरे के पीछे चेहरा छुपा कोई और, किसको पता है इस महफिल में किस दिल में क्या है चोर। दादी आप भी गाइए ना। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मम्मा मिया, मम्मा मिया। क्या हुआ सर? सारे जेवरात गायब हैं और वो टोपी भी गायब है, उसमें करोड़ों के हीरे थे। ये काम नंबरी आदमी का है, वो यहीं कहीं होगा। जाओ सबकी तलाशी लो और जिस किसी के पास भी टोपी हो उसे पकड़ लो। ये हीरे ले जाकर नंदलाल मोती वाले को बेचते और हमेशा की तरह पैसा हॉस्पिटल के खाते में जमा करते। डॉक्टर, ये फॉरेन के इंजेक्शन है, इससे नशा करने वाले की आदत हल्लू हल्लू छूट जाती है। खास साहब, ये इंजेक्शन तो बहुत कीमती हैं। देशपांडे, कोई भी दौलत जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। यू आर राइट। जब अपना कोई छिन जाता है ना, तब मालूम होता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। मुन्ना, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझे ना चाहिए, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। खान साहब, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। बिजली, दर्द मरीज को है,
लेकिन उससे ज्यादा दर्द खान साहब को है। माँ, अगर दुनिया में कोई मसीहा होता ना, तो वो भी आकर इनके पैरों में बैठ जाता। क्या फिगर है, क्या क्या कलर है, ऐसा लगता है हुस्न का बाजार हवा में आग लगा रहा है। यार आप तो मेरे दिल में लग रही है। अमा तुम बहुत लकी हो यार, लड़की का बाप भी यही चाहता है। तो रुक, मैं जरा जाल फेंक कर आता हूं। गो अहेड मैन, गो अहेड। हाय संगीता। हाय। सच कहता हूं, आपकी ये हालत देखकर तो ये गार्डन भी हाय हाय करता होगा। What nonsense! यकीन नहीं आता तो इस सीने से लगकर देख लो, इसकी धड़कन भी हाय हाय कर रही होगी। ए मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ, ओके? संगीता! Shut up! तुम और तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह जान गई हूं, याद रखना मेरे इस थप्पड़ को। उस्ताद, ये तो उस्तादी कर गई। अपना काम है जाल फेंकना, ये नहीं और सही। Thank you.
नगद का उधार मिले ना। चम चम बोल मेरे घुंघरू तेरे लिए मैं मेरे लिए तू। चम चम बोल मेरे घुंघरू तेरे लिए मैं मेरे लिए तू। बदतमीजी नहीं, ये तो हमारी। मगर मैं अपनी अदाएं बेचती हूँ जिसमें, और हम हर वो चीज खरीद लेते हैं जो हमें पसंद आती है। छोड़ दे, छोड़ दे मेरी बेटी, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ दे, छोड़, अरु, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अरे चंपा भाई, एसीपी को भाई है, और दूसरा कमीना, कमीने काशी करके गंदे औलाद। अरे इनका रास्ता रोकना, इसका मतलब है अपने लिए रास्ता बनाना। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो। राज, चलो। Oh!
हम वर्दी वालों के होते हुए तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, समझे? वर्दी? कौन सी वर्दी? जो खून, बलात्कार और डकैती हो जाने के बाद पहुंचती है। कानून और वर्दी पर भाषण देना जितना आसान है, ये वर्दी पहनकर कानून की कुर्सी संभालना उतना ही मुश्किल है। जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ तुम्हारी इस वर्दी को और तुम्हारे कानून को भी। ए मिस्टर, क्या करते हो? आज अगर उस लड़की का बलात्कार हो जाता तो क्या तुम्हारी ये वर्दी उस लड़की की इज्जत वापस ला सकती थी? लगता है तुम इस बस्ती के दादा हो। अरे मैंने तुम जैसे बड़े बड़े दादाओं की दादागिरी हवालात में ठंडी कर दी, समझे? और तुम कर भी क्या सकते हो, मुझे तो हवालात में बंद कर दोगे, लेकिन इस अमीर ज़ादे का क्या करोगे? ये तो अपनी दौलत की ताकत से झूठी गवाही लाकर जमानत पर छूट जाएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अमीर हो या गरीब, कानून की नजरों में सब एक है। चलो। संगीता राणा, तुम? जी हाँ, ये नोट आपके ईमान को पिघलाने या कानून की किताब को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैदी को जमानत पर छुड़ाने के लिए है। किसे? उस रैम्बो को। रैम्बो? रैम्बो कौन? नाम पसंद नहीं आया तो रॉबिनहुड कह लीजिए। रॉबिनहुड? भाई वो टैक्सी ड्राइवर जिसे कल रात आपने गिरफ्तार किया था। मिस संगीता राणा, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम वो नहीं जो तुम बतला रही हो। नाम में क्या रखा है एसीपी साहब, इंसान को तो उसके कर्मों से जाना जाता है। खैर, क्या तुम उस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? जी नहीं, उनकी पहचान यही है कि वो बुराई और अच्छाई के फर्क को अच्छी तरह पहचानते हैं। कल रात उन्होंने एक बेबस मजबूर लड़की की इज्जत बचाकर इंसानियत का वो सबूत दिया है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। लेकिन एक अनजान इंसान के लिए अपनी दौलत इस तरह बिछाना, इसका मतलब? एसीपी साहब, जो औरत जात की इज्जत की कदर करते हैं, हम उनके लिए दौलत तो क्या, जान भी निसार कर दे। हवलदार, शंकर को बाहर लाओ। शुक्रिया। ए स्ट्रांग मैन, सुनो, अपने साथ एक कप कॉफी पीने का मौका नहीं दोगे? अजी, आप जैसे एहसान करने वालों को इनकार कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए। वो अंग्रेजी स्टाइल का ढक्कन कौन है? ढक्कन नहीं, वो मक्खन है। मक्खन फिसल गया अपना शंकर। तू देखना, अपने आप देखना, हम दोनों की आंख के सामने उसकी आंख में आंख डाल के कैसे चला गया, जैसे कोई दर्जी सुई से धागा निकाल के चला जाता है। देख। अबे ओए, जास्ती सुई धागा करेगा ना तो तेरा कफन सिला दूंगी। जानकी, माफ कीजिए, यहाँ एसीपी विजय प्रताप की पत्नी नहीं, एक माँ अपनी बेटी के लिए आई है। कहिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? तो तुम उसकी जमानत देकर उसे छुड़ाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने आई हो? आप एक ऑफिसर हैं और ये लीजिए, एक माँ की जमानत। जानकी, तुम्हारा ये प्यार यहां भी तलवार बनकर मेरी दी हुई शिक्षा को तार तार करने चलाया? सुबह से गैला गोरी मेम सब के साथ और अजय तक कुछ पता ही नहीं उसका। अरे बिजली दिन के उजाले में तो ठीक है, मगर अगर कहीं रात क्या है? क्या? अरे तू जब इसे रात का बम बम कर रहा है, अरे मैं तो चुप बैठ जाऊंगा, मगर वो दोनों थोड़ी चुप बैठे होंगे। क्या क्या कर रहे होंगे? अबे चुप, ऐसा हाथ घुमाऊंगी कि गुटरगु से कुकरगु चालू कर देगा, समझा? अरे बिजली, एक तो दोनों अकेले, ऊपर तो शंकर फुटबॉल का चैंपियन, पता ही नहीं कितने कितने राउंड खेल चुके होंगे। अरे अकेले में कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओहो, अगर अकेले में तो यंग प्लेयर मिल जाए तो बगैर बॉल के फुटबॉल हो जाती है। अरे मगर माँ कसम, अरे फुटबॉल के मैच में तो फिर भी ट्रेनिंग होती है, मगर मोहब्बत के मैच में तो देख गोल पे गोल, देख गोल पे गोल। कब रात गुजर जाती है मोहब्बत में, कब दिन चढ़ाता है मोहब्बत में, पता ही नहीं चलता। अबे ओए खरबूजे, इसके आगे कुछ बोला ना तो ये सब सामान खोल के रख दूंगी, ये हाथ पांव खोपड़ी तंबी सब।
समझा? अरे सामान ही खोलना है तो वो जापानी बाटी का खोलना जो तेरी इंडियन बॉडी को ओवरहॉलिंग के लिए लेकर गई है। देखा नहीं कैसे चिपक के बैठे थे दोनों, बीच में से हवा पास होने का रास्ता नहीं था। ये बात तो बरोबर है। मेरा दादा बोलता था कि गली के आवारा कुत्ते में और जवान छोकरे में कुछ जास्ती फर्क नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गली का आवारा कुत्ता जब गली में किसको देखता है तो दुम हिलाई और गुल, इसी तरह से जवान छोकरा गली में किसको देखता है तो अपना काम किया और गुल। अरे मैं तो ये कहूंगा बिजली कि शंकर को अपने पल्लू से बांध के रख, वरना ये तो किसी भी चोली में घुस जाएगा। मेरा शंकर कोई मच्छर खटमल नहीं जो कहीं भी घुस जाएगा। भाई वाह, आज तो मजा आ गया, लगता है जिंदगी जी गए। बात जीने मरने की नहीं, आपकी शराफत और इंसानियत की है। इंसानियत की नहीं, तुम जैसे इंसान की है। बाय, सी यू। साला, बचपन से मैं बोल रही हूँ गाल पे किस मार, कभी दिया है? वो साली छोकरी पहली मीटिंग में ही धाड़ से हाथ पे किस मारा, कौन थी वो? कौन थी? कोला छोर, इज्जत से बात कर। अरे चल ना, तेरी काय की इज्जत, साली वो पप्पी मार के चली गई और तू ऊपर से इज्जत की बात करता है। अरे यार ये सब स्टाइल है, अमीर लोगों का स्टाइल है, कभी हाथ पे पप्पी मारती, कभी गाल पे मारती, कभी हाय बोलती, कभी बाय बोलती, ये सब इंग्लिश स्टाइल है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू जाता किधर है रे, पहले बोल कौन थी वो? अरे यार कोई बात नहीं थी, एक लड़की की मैंने इज्जत बचाई, पुलिस ने अंदर कर दिया, एक अमीर साथी ने बाहर निकाला, किस्सा खत्म। साला फिर मेकअप बक चलो। अरे यार तेरी कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे रिश्तेदारों की कसम, तेरे सब की कसम बस। अच्छा अभी मेरी कसम खाकर मेरे को मारने का प्रोग्राम करेगा तू? हाँ बता कौन थी वो जिसकी तूने इज्जत बचाई? नाम बोल, ठिकाना बोल, पता बोल। अबे ओए नाम तो बोल। पारो, मुझ बदनसीब का नाम। ये रहा आपका कोट, कल अगर आप ना आते तो मैं अपनी नजरों से गिर चुकी होती। आपने मुझ पर वो एहसान किया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। कृष्ण ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी और उसे बहन स्वीकार किया था, आज से तुम मेरी बहन हो और कोई भाई बहन पर एहसान नहीं करता। ऐसे रिश्तों में मत बांधो जिनका एहसास तुम्हें शर्मिंदा कर दे, और एक दिन खुद तुम भाई के रिश्ते को तलवार से काटने पर मजबूर हो जाओ। शंकर दिल से धड़कन को अलग कर सकता है मगर रिश्ते में बहन को नहीं। ये जानने के बाद भी कि मैं समाज सोसाइटी का वो दाग हूं, वो गंदगी हूं जिसे लोग तवायफ कहते हैं, कल तुम क्या थी उसे भूल जाओ, आज से तुम मेरी बहन हो, सिर्फ मेरी बहन, क्योंकि शंकर तवायफ को बहन बना सकता है लेकिन इस बहन को तवायफ बनता नहीं देख सकता। भैया, भैया, लेकिन कौन था वो साला दरिंदा जिसने तेरी इज्जत पर हाथ डाला, कौन था वो? क्या मैंने तेरी इज्जत इसलिए की थी कि तू इस घर की इज्जत सड़कों पर नीलाम करता फिरे? क्या दिया है तूने मुझे, क्या दिया है तूने? अपनी भाभी माँ की आंखों में आंसू और अपने पिता समान भाई के दिल को जलते हुए जख्म, जवाब दे। मैं अपने पति की इज्जत और आबरू जान के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ, सजा तो मेरे इन हाथों से मिलनी चाहिए, इन हाथों से मिलनी चाहिए। ये क्या हो रहा है, ये क्या पागलपन है, क्या हुआ तुम्हें? औलाद कैसे कर, माँ बाप को पागल ही तो कर देते हैं,
अपनी औलाद को सजा देकर मैं नहीं जानकी नहीं नहीं मुझे माफ कर दीजिए मेरे प्यार ने राज को बिगाड़ दिया मुझे माफ कर दीजिए नहीं जानकी नहीं बस करो देखो ना गुनहगार तुम हो ना मैं हा? चलो चुप करो भाभी माँ भाभी के प्यार के साथ साथ मुझे माँ की ममता भी आप ही ने दी है मुझसे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी भाभी माँ मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो भाभी माँ आपके चरणों की सौगंध खाता हूं आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं दूंगा मुझे माफ कर दो भाभी माँ मुझे माफ कर दो मुझसे माफी मांगने से क्या होगा रे माफी मांगनी है तो जा उससे माफी मांग जिसका तू गुनहगार है जिसे तूने सरे बाजार पे इज्जत किया हाँ भाभी मां मेरे बच्चे चले जाओ यहां से अब आए हैं तो लेके ही जाएंगे चल नहीं खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो ये आप उनकी शंकर की बहन है समझे अरे बहन नहीं ये तो कोठे वाली है कोठे वाली क्या ए फुलझड़ी चल फुट नहीं तो तेरे को ले जाके क्या बोला छोड़ दो चल अरे चल छोड़ दो उसे चल नहीं जाऊंगी छोड़ दो उसे बारों की बच्ची अरे रोको उसे अरे बस्ती वाले रोको इसे अरे बैठ ले जाओगे छोड़ दो मुझे अरे बस्ती के सारे मर्दों चूड़ियां पहन रखी है क्या रोको इसे कमीने कुत्ते तो सजा तो अपनी टीम जीत जाएगी लगता है मुझे ही गोल करना पड़ेगा अरे अपने हीरो की एंट्री लगा दे सबको धंधे पे अबे तू बच्चा है क्या? चलो रुक जा, मार! चल छोड़ू मार! हिलने के देवर हिल लगाए। नहीं! चल छोड़ू भिड़ जा। अच्छा? ये! कमीनो मार खा के आ गए चंपा भाई शंकर ने तुम्हारी बेटी को बहन बना लिया और वो एसीबी का भाई लगता है तेरी बेटी के साथ शादी बनाने के चक्कर में है कमीने तेरी हवस की वो अभी तक नहीं गई अरे अरे अरे
गाड़ी भी फास्ट चलाता और दिमाग भी। अरे पूछो तो सही, हुआ क्या, किया क्या, बस उठाया हाथ और शुरू। आज अगर ये नहीं होता तो तेरी बहन वापस कोठे पे पहुंच जाती और तेरी इज्जत को दाग लग जाता। मगर मैं तो आपसे माफी मांगने आया था अपने किए की। दीदी ए पारो, एक तो बेचारा इतनी दूर से आया तेरे से माफी मांगने, हंगामा किया, माफ कर देना यार। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी पारो को नरक से निकालकर स्वर्ग में जगह दे दी। मुन्ना कैसा है तुरे? अच्छा हूँ दीदी। अस्सलाम वालेकुम बिजली, ये डॉक्टर साहब बोल रहे थे इन्हें बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा ना। खान साहब, ऊपर वाले ने बिजली का बहुत साथ दिया है इसलिए तुम्हारा साथ मिला। ये मेरी किस्मत में तुम ही और तुम्हारी किस्मत में मैं, है ना जी? हाँ जी, ये तुम्हारी किस्मत और मेरी किस्मत से इसको नशा छोड़ना लिखा था, हो गई ना जी। क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ? हाँ साहब, इन छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के बाहर आइसक्रीम में ड्रग्स लेने की आदत दी जा रही है। हर स्कूल और कॉलेज के बाहर खुलेआम ये जहर बिक रहा है और ये बच्चे उसी जहर का शिकार हो चुके हैं। मतलब खुद को जिंदा रखने के लिए हराम खोरा मासूम बच्चे लोगों को जहर पिलाकर सारी नस्ल बर्बाद करने को चाहता है। मगर इससे पहले ये दिलदार अली खां एक एक को तड़पा तड़पा को मारेगा। आइसक्रीम में ड्रग्स डाल को नशे की आदत डालने वाला नहीं, नहीं। खान साहब, आप ये सब क्या? जुर्म की भट्टी सुलग रही है आपके शहर में और जल जल को मर रहे हैं ये फूल जैसे मासूम बच्चे। नशा खिला खिला को क्या हालत की इन बच्चों की, इन हरामजादों ने। मगर ये सब करता कौन है? इन लोगों का खाला उतार कर चर्बी निचड़ कर पूछो किसके लिए काम कर रहे हैं, कौन है वो राक्षस जो ये जानलेवा खेल खेल रहा है। इंसानी जिंदगी के कातिलों तक पहुंचने और उन्हें सजा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे यार जल्दी करो, 15 स्कूलों में माल पहुंचाना है। वाह मुन्ना, क्या नशे का पाउडर निकाला है। मेरी आइसक्रीम भी बिक जाती है और तुम्हारा नशे का पाउडर भी। ओके बॉस, जा जल्दी ले जा। क्या हुआ मुन्ना? गाड़ी नहीं चल रही, पता नहीं क्या हुआ। गाड़ी नहीं चल रही? नहीं बॉस। देखो तो, इस लोहे की जंजीर को खोलने से पहले तुम्हें इस फौलाद से टकराना होगा। मुन्ना कौन है तू? अरे तुझ जैसे तू कहने वाले को आप कहने की तमीज सिखाने वाला। मुन्ना लगता है इस दुनिया से तेरा राशन पानी खत्म हो गया रे। अरे खत्म तो तेरा आज से नशे का धंधा हो गया है और ये एसीपी विजय तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। एसीपी? मेरे मुन्ने हमने बड़ी बड़ी कुर्सियां और वर्दियां बदल डाली हैं। अच्छा इतना घमंड है? तो सुनो, मेरी इस वर्दी पर लगे सितारों को जरा छू कर दिखा दो, मैं तुम्हारी ये गाड़ी तुम्हारी मंजिल तक खुद पहुंचा कराऊंगा। छूना क्या है मुन्ना, हम इन सितारों को तेरी वर्दी से नोच कर अपने पांव के नीचे डाल देंगे। Thank you.
मुझे और मत मारो, और मत मारो मुझे। अरोय नाम का नशा बेचने वाला कौन है? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। कौन है? मुझे नहीं मालूम। आज की नस्ल को बर्बाद करने वाला कौन है? मुझे नहीं मालूम। कौन है? आज मैं तुझे बुलवा कराऊंगा। वो आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वो जिंदगी भर यूं ही गूंगों की तरह मार खाता रहेगा, लेकिन चुप रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो हमारे बारे में कुछ जानता ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जरिए मैं बहुत कुछ जान गया हूं, हमारे बिजनेस के नुकसान के बारे में भी और उस दिलदार खान के बारे में भी। देखना अब मैं कैसे आग लगाता हूं। शंकर भैया, बिजनेस को जलाने वाला हॉस्पिटल आज खुद जल गया। थाम 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 आई ला राणा साहब। आप खान साहब, मैं इधर से गुजर रहा था, आपके हॉस्पिटल से शोले उठते हुए देखकर रुक गया। दिल छोटा मत कीजिए खान साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमारी कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर कहिएगा। लो एसीपी साहब भी आ गए। खान साहब, आप एसीपी साहब, उस रोज इंस्पेक्टर काशीकर ने जिस हॉस्पिटल का जिक्र किया था ना, वो यही है। देखिए ना कैसे जल रहा है। जल गया या जला दिया गया, ये छानबीन के बाद ही पता चलेगा राणा साहब। बहुत अफसोस की बात है। आओ राणा साहब, अफसोस तो उस आग लगाने वालों को होएगा, उतना ही अफसोस जितना कि इस आग में जलकर मरने वाले के रिश्तेदारों को हुआ है। मैं उस हरामजादे की तिजोरी तोड़कर इस हॉस्पिटल को फिर से बनाऊंगा और उनको खुद को आकु इस हॉस्पिटल की बुनियाद की पहली ईंट रखनी पड़ेगी। कसम ऊपर वाले की, तब तक साले को छोड़ूंगा नहीं मैं। साहेब, साहेब, अंदर से नंबरी आदमी का कार्ड मिला। अरे इसको मैंने अपना गुरु मानी, पूजा किया और उसके बदले में इसने मेरे भाई को जिंदा जला दिया। देवता से राक्षस बन गया ये, बस यहाँ से जल्लाद बन गया। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। जरा सोच, गरीबों का आंसू पोछने वाला गरीबों को रुलाएगा कैसे? ये अनर्थ नंबरी आदमी का नहीं है। ये अनर्थ उसी नंबरी आदमी का है। नहीं बिचली नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ किसने लगाई जिसे मेरा भाई जल गया? अरे तू इस हत्यारे का हमदर्द कैसे बन गया रे? यही है वो बिजली। नहीं, तेरे भाई को जलाने वाले का हाथ नंबरी आदमी के नहीं है, किसी नंबरी बदमाश के। इस नंबरी आदमी के गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे तू? नहीं, ये नंबरी आदमी एक बार अपने आप का खून कर सकता है, किसी इंसान का नहीं। ये तू कैसे बोल सकता है? इसीलिए कि वो नंबरी आदमी मैं हूँ। क्या तू है नंबरी आदमी? हाँ मैं। बोल, क्या मैं अपने मुन्ने को चला सकता हूँ, तुझे रोता हुआ देख सकता हूँ, जिस बस्ती में जीता हूँ उसे मरते हुए देख सकता हूँ? मगर तू ये जानना चाहती है ना
कि मैं नंबरी आदमी कैसे बन गया। वक्त और हालात, भूख और प्यास ने मुझे नंबरी आदमी नहीं बनाया, मेरे मकसद ने मुझे नंबरी आदमी बनाया, मेरी तलाश ने मुझे नंबरी आदमी बनाया, चिता के जलते हुए शोलों ने मुझे नंबरी आदमी बनाया। मैं आज तक उस काले कल को ना भुला हूं, ना उन चेहरों को। दीदी दीदी देखो ये कप मुझे इनाम में मिला है। बहुत अच्छा है। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो, छोड़ दो मेरी दीदी को, मेरे बेटे को मारने जा रहे हो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी दीदी को। दीदी दो हरामजादे को कुएं के साथ। क्यों मार रहे हो मेरे पिताजी को? क्यों मार रहे हो? मत मारो, मत मारो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो, छोड़ दो कमीने, छोड़ दो। देखे पिल्ले, नहीं नहीं ठाकुर नहीं, मेरे बाप। ना दादा, नहीं इंस्पेक्टर, तुम हमारी नशे की दवाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन ये नशा जवान खून पर काम कैसे करता है ये तमाशा तुम्हें तुम्हारी बेटी दिखाएगी। नहीं समझे सिंह, नहीं तुम मेरी बच्ची पर जुल्म नहीं कर सकते। नहीं समझे सिंह, तू ऐसा नहीं करोगे, नहीं करोगे ऐसा। प्लीज समझे सिंह, प्लीज। नहीं 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 समझे, नहीं। देख अगर मरद का बच्चा है तो मुझसे लड़, मेरी बच्ची के ऊपर क्यों अत्याचार करता है कुत्ते तू। जवानों, नहीं 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 समझे सिंह, नहीं 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 ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पत्तुआ देता हूँ समझे सिंह, तू सलील मौत मरेगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज भी होगी समझे सिंह, समझे सिंह। इंस्पेक्टर, तेरी सच्चाई का इनाम, तेरी बीवी की लाश, तेरी बेटी का अंजाम और तेरा बेटा खाई में गिरकर मर गया। अब तेरी बारी है, खत्म कर दो इसे। शंकर, ये? ये मेरे परिवार की समाधियां हैं, इन पर हुए अत्याचारों की तस्वीरें मुझे नींद से भी जगा देती है। शंकर। हाँ बिजली, बचपन से सिने पर अपने परिवार का एक बहुत बड़ा कर्ज पड़ रहा है और शंकर को इस कर्ज को चुकाना है, तभी इनकी आत्माओं को शांति मिलेगी, शंकर का मन भी शांत होगा। शंकर। हेलो, मैं राणा बोल रहा हूँ। आज रात को हम तुम्हें नंगा कर देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, नंगा मतलब नंगा। ये कौन हो सकता है? वणक्कम वणक्कम सत्यनाशम। कौन हो तुम लोग? अय्या, ये पूना वाला मैं चूना वाला जी है। हूँ ईट वाला छू, हूँ पन रेती वाला छू, हूँ मार्बल वाला छू। ये क्या वाला वाला लगा रखा है? कौन हो तुम लोग? हम वाला वाला कंपनी का कंपनी वाला है। क्यों बाबा? हाँ बाबा, हम माल भेजा वो दरिकात में, अब वसूली करने को आया ना जी है, वसूली करके जाएंगे ना। वसूली? कैसी वसूली? हॉस्पिटल बनाने को तुमको माल भेजना। कौन सा हॉस्पिटल? अयो तू राणा ना? हाँ राणा। दिलदार खान का हॉस्पिटल, भूल गया?
उस हॉस्पिटल से मेरा क्या संबंध? वही गुना का पाप से होता है जी, बेटे के बाप से होता है जी, चोली का दामन से होता है जी, दिल्ली का पालम से होता है जी, मद्रास का बड़ा कम से जी। क्या बेहुदा मजाक है ये, निकल जाओ यहाँ से। अयो हम नंबरी आदमी का खास चमचा जी, स्टील का चमचा, अब देखना अभी नंबरी आदमी आएगा। राणा, जिस तरह पैर में चुभे हुए बबुल के कांटे को निकालना आसान नहीं, उसी तरह तेरी जिंदगी में चुभा हुआ कांटा हूं मैं। कौन? कौन हो तुम? राणा पहचान मुझे, कौन हूं मैं? नजर न आने वाला तेरा काल हूं मैं, तुझे नष्ट करने वाला अंत हूं मैं, और तुझे दफन करने वाला समंदर हूं मैं। कौन? कौन हो तुम? तुझ जैसे नंबरी लोगों का अपनी अदालत में नंबर लगाने वाला नंबरी आदमी। क्या? नंबरी आदमी? ये दिलदार खान के हॉस्पिटल में आग लगाने की सजा, ये वहां मेरे नाम का कार्ड छोड़ने की सजा, और ये नंबरी आदमी, ऐसा मत करो, मैं रुपया देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ रुपया ही नहीं, दिलदार खान के हॉस्पिटल की बुनियादी ईंट तुम ही रखोगे। सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वाय साधके नमः। अभी सभी लोग राणा साहब के ऊपर ईंटा रखो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब इनकी ईंटा के ऊपर ईंटा रखो। इधर रखो, शाबाश शाबाश। अरे क्या कर रही है तू? पहले तो राणा साहब पैसे दिए और तू इनको काला पीला दगा लगा रही है। माफ करना राणा साहब, माफ करना। कोई बात नहीं। दिलदार खान साहब, आप तो कह रहे थे जिसने अस्पताल जलाया उसी से पहली ईंट रखवाएंगे। हाँ, मैं भी इनको यही बोला, लेकिन इन्हू माना नहीं, बोले पहली ईंट मैं ही रखा। बहुत दयालु आदमी है ना। दयालु तो है। साहब, नंबरी आदमी ने तो आपको अजीब से जाल में फंसा दिया है, और वो सामने एसीपी को देखिए कैसी शक भरी नजर से आपको देख रहा है। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी दिलदार। दिलदार खान,
नंबरी आदमी हमारा अस्पताल जला कू गया, उन्हें तुम्हारा घर जला कुआया क्या? जलाने तो मैं तुझे आया हूँ दिलदार, और वो भी जिंदा। हाय हाय खान साहब, ये मुआ क्या कह रहा है? बेगम तुम गप चुप बैठो, मैं देखता हूँ। क्या राणा साहब बावले हो गए तुम्हें? गलीज कमीने। हाँ समझ गया समझ गया, उन्हों हरामी नंबर एक और तुम्हें हरामी नंबर दो है ना? बकवास बंद कर राणा, तेरी जुबान ही नहीं तेरी गर्दन भी काट के। हाँ क्या घर की मुर्गी समझे क्या, जो छुरी चलाएंगे और मैं कट जाऊंगा। तुझे मारने से पहले तुझे बता देना चाहता हूँ कि तुझे क्यों मारने आया हूँ। तेरे नंबरी आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसे दिया हुआ पैसा तुझ तक पहुंच गया, क्यों? इसका जवाब तेरी चीखें देंगी। अरे मैं काई को चीखूंगा, चीखेगा तू हरामी के। हराम के बताता हूँ तुझे। हुजूर हुक्का पियोगे? चुप। आली बाबा चालीस चोर, आजा बेटे मेरे को। बाबा चालीस चोर आ जाओ बच्चों मेरे को। हुजूर पानी पियोगे? बेगम लगता है बड़ा गुस्से में है। हुजूर उस्ताद की कैसी लगी? मुझे किसी ने मारा। हाँ मारा। कैसे? आली बाबा चालीस चोर आजा बच्चे मेरे को, आजा बच्चे। तो मैं नहीं आता, तू चप्पल से मारती है। ठीक है तो फिर मैं आती हूँ। नहीं नहीं तू भी बता। बुज़दिल, तुझे मार खाने के लिए नहीं मारने के लिए रखा हुआ है। चप्पल से मारती है तू? हाँ मैं। चल मेरे चौधरी के चांद, मैं एक बात बताती हूँ। कहाँ? यहाँ नहीं, कोने में। चल बताओ ना। बताओ जल्दी बताओ। सच? हाँ। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानोगे। बेगम साहिबा, आप जरा खान साहब को बुलाइए, उनसे कुछ अस्पताल के बारे में जरूरी सवालात करने हैं। क्या हो गया बेगम साहिबा? राणा साहब आप? वही कमीना दिलदार खान मुझे जबरदस्ती यहां उठा लाया, मुझे मारा पीटा और मेरे साथ क्या क्या हरकतें की, अब आपको क्या बतलाऊं? ये कैसे हो सकता है?
कि दिलदार खान आपको अपने घर लाकर मारपीट कर इस तरह बांध कर चला गया? मुझे तो बात समझ में नहीं आई, जबकि आपने उसे इतना रुपया अस्पताल बनाने के लिए दिया। देख लूंगा मैं उसे। ये खत कैसा? क्या लिखा? दिलदार खान की जान खतरे में थी और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं दिलदार खान को मौत के मुंह से निकालकर अपने साथ ले जाऊं और दिलदार खान राणा के शिकंजे से आजाद नंबरी आदमी की दुनिया में जिएगा। सर, दिलदार खान के मकान में राणा साहब का इस तरह बंधा होना और उनकी जेब में नंबरी आदमी की चिट्ठी, इससे बात ही समझ में आती है कि दिलदार खान नंबरी आदमी तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि दिलदार खान की तस्वीरें सारे हिंदुस्तान के पुलिस स्टेशनों में लगा दी जाएं और साथ साथ राणा पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। पर राणा साहब को मैं कुछ, मुझे शक है कि राणा दिलदार खान और नंबरी आदमी के बीच एक ऐसी कड़ी है जिस पे नजर रखने से हम असली मुजरिम तक पहुंच सकेंगे। मगर नंबरी आदमी और दिलदार खान के केस में राणा पर शक करने का क्या मतलब? सर, हम शक के जरिए यकीन और यकीन के जरिए असलियत तक पहुंचेंगे। मैं अब जल्द से जल्द राणा के गुजरे हुए कल की जानकारी करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है सर कि मैं राणा के गुजरे हुए कल की कोई ऐसी फाइल ढूंढूंगा जो हमारे काम आ सके। राणा साहब हमारे ट्रक्स पकड़े गए, वो एसीपी ने बहुत। अरे आप लोग अचानक इंडिया में, ना कोई टेलीफोन ना खबर। एनीवे, आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। मगर हम लोग सिर्फ फायदा होने पर ही खुशी मनाते हैं मिस्टर राणा। तुमको हमारा माफिया के ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अंडरवर्ल्ड का चीफ बनाया है, तुम हमारा करोड़ों का नुकसान किया, इसलिए हम लोग तुमको चीफ का कुर्सी से हथाने को आया। नहीं नहीं डॉन साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने वाला है एसीपी विजय प्रताप, जिसकी मौत के धागे में पहले ही बुन चुका हूं। ये देखिए, पुलिस का एक फुटबॉल का मैच होने वाला है और फुटबॉल के अंदर मैंने एक बॉम्ब छुपा कर रखा हुआ है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। एक बार एसीपी को मिट्टी में मिला दूं, फिर हमारे कारोबार के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बस मुझे एक मौका और दीजिए डॉन साहब। क्यों पार्टनर? ठीक है राणा, हम तुमको आखिरी मौका देता है। अगर तुमने फिर नुकसान किया, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मैच एसीपी की जिंदगी का आखिरी मैच होगा। इस विशाल ग्राउंड में मौजूद सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये मैच एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए खेला जा रहा है। समाज में ड्रग्स का जहर फैलाने वाले दरिंदों के खिलाफ लड़ने वाले जियालों ने मिलकर इस मैच का आयोजन किया है और इस मैच का प्रॉफिट ड्रग्स के विरुद्ध लड़ने के काम में लाया जाएगा। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच मैदान में उतरने वाली ये टीम है टैक्सीमैन क्लब की टीम। इस वक्त मैदान में मौजूद हजारों दर्शक, और अब जो टीम मैदान में उतरने वाली है वो है दूसरी टीम, यानी पुलिस क्लब की टीम। पुलिस क्लब की टीम के सदस्य मैदान की तरफ जाते हुए, और ये है शंकर टैक्सीमैन क्लब के कैप्टन, और ये है विजय प्रताप सिंह जो दूसरी टीम यानी पुलिस क्लब के कैप्टन। ये रेफरी की सीटी हुई और ये मैच की शुरुआत हो चुकी है। गेंद इस वक्त पुलिस क्लब के पाले में है। शंकर ने पास दिया अपने साथी को, टैक्सीमैन क्लब के खिलाड़ी को। उसने एक बार फिर से पास दिया शंकर को। विजय प्रताप सिंह ड्रिबल करते हुए डॉच कर रहे हैं। दर्शकों में उत्साह है इस बात से। शंकर ने बॉल छीन ली है पुलिस क्लब के खिलाड़ियों से। बॉल एक बार फिर शंकर के कब्जे में। शंकर ने पास दिया है रघुनाथ को, और रघुनाथ ने पास दिया है शेखर को। शेखर से बॉल होती हुई शंकर के पास। पुलिस क्लब के दो खिलाड़ियों ने शंकर को रोकना चाहा। टैक्सीमैन क्लब का ये पहला हमला है पुलिस क्लब के गोल पर, लेकिन पुलिस क्लब के गोलकीपर ने टैक्सीमैन क्लब का यह हमला विफल कर दिया है। दर्शकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। पुलिस क्लब के खिलाड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं टैक्सीमैन क्लब के गोल की तरफ। इस वक्त विजय प्रताप सिंह बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए तेजी से बचाते हुए सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और उन्हें उत्साह और हर तरफ से उन्हें सहायता मिल रही है। इस वक्त देखना यह है कि पुलिस क्लब के खिलाड़ी गोल कर पाते हैं नहीं। और ये देखिए तेजी से इस वक्त ये विजय प्रताप सिंह ने गोल कर दिया, ये गोल। और इस तरह पुलिस क्लब के खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को बाहों में भर लिया है हर्षोल्लास के क्षण। और इस वक्त देखना यह है कि आगे का फैसला क्या होना है। एक बार फिर से बॉल शंकर के पास। शंकर ने पास कर दिया है अपने गोलकीपर को। गोलकीपर ने उसे क्लियर कर दिया है। टैक्सीमैन क्लब की तरफ से शंकर ने यह किक लगाकर गेंद पहुंचा दी है पुलिस क्लब के पाले में। पुलिस क्लब के खिलाड़ी दिनेश ने जैसे ही बॉल को किक करना चाहा, शंकर ने उसका यह प्रयास विफल करते हुए बॉल को उसके पाले की तरफ से आगे बढ़ा दिया। लेकिन पुलिस क्लब के खिलाड़ी भी पूरी तैयारी के साथ जोरदार संघर्ष। बॉल शंकर के पास। शंकर ने जोरदार किक लगाई। बॉल पहुंची पुलिस क्लब के गोल पोस्ट की तरफ।
पुलिस क्लब के खिलाड़ी उसे हेड करके क्लियर किया है, लेकिन अपने कब्जे में कर लिया। एक बार फिर से शंकर ने बॉल लेकर शंकर आगे बढ़े, पुलिस क्लब के खिलाड़ी की टांगों से उलझकर शंकर नीचे गिरा। शंकर ने बॉल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विजय प्रताप ने तेजी से बॉल को अपने कब्जे में लेकर जोरदार किक लगाई और यह दूसरा गोल। क्षण प्रतिक्षण बढ़ता रोमांच। गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है पुलिस क्लब के खिलाड़ी के पास। पुलिस क्लब के खिलाड़ी ने गेंद को जोरदार किक लगाई। अब गेंद के पीछे भाग रहे हैं शंकर, और शंकर ने अजीब ढंग से गेंद को आकाश की तरफ उछाल दिया है और जोरदार धमाका, एक ब्लास्ट। लेकिन शंकर ने अपनी जान पर खेलकर विजय प्रताप सिंह और लाखों लोगों की जान बचा ली है। भगवान, तेरे ही कृपा से मैं सुहागन हुई, और आज तेरे ही नाम के एक आदमी ने मेरे सुहाग को बचाकर मुझे सुहागन होने का सौभाग्य दे दिया। भगवान, मेरे सर पर सदा भैया का साया और भाभी मां की ममता भरी छांव रखना। क्या बात है राज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राज, कौन है ये? ये भाभी माँ, ये पारो, पारो भाभी माँ। वही भाभी माँ जिनका तुम्हारे सांस के साथ नाम लेते हो? हाँ, वही भाभी माँ। और भाभी माँ, ये वही पारो है जिसे तुमने मुझे माफी मांगने को कहा था। अच्छा, मगर लगता है तुमने इससे माफी नहीं मांगी, हमारे घर के लिए इसे भी मांग लिया। ए, ये सब क्या है? छोड़ ना, पहले एक मीठी मीठी प्यारी प्यारी पप्पी। पप्पी कुछ नहीं, पूरा गाल गीला कर देती है। अरे यार, इस बार गाल पर नहीं, दिल पर पप्पी लेने वाली बात है। दिल पे? हाँ, तेरे दिल में हलचल मच जाएगी, हलचल। कहूँ
काम से हाँ पारो मैंने प्यार किया है। ए, अरे बिड़ू तू कहाँ जा रहा है? इधर देख और कुछ सोच। क्या सोचूं? अरे वो लोग जो सोच कर रहे हैं कि तू नहीं कर सकता मेरे साथ। ये तेरा दिमाग फिर गया रे। अरे बिड़ू भवरा फूल के पास घूमता है और मैं साला फूल होकर भी तेरे माफिक भवरे के पास घूम रही और तू साला घूमता ही नहीं। अरे घूम जा। देख बिजली। क्या देख देख साला अंदर इतना बिंदास रोमांस चल रहा है और तू डर डर के थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते। तू कर या मत कर मैं तो करूंगी साला पता नहीं कब। देख देख बिजली पारो मेरी छोटी बहन है तो रिश्ते में तेरी भी कुछ हुई ना। हाँ वो तो है। तो छोटी बहन की शादी किए बगैर अपनी शादी कैसे हो सकती है? हाँ यार बात तो एकदम दिल पे बैठने वाली है। तो पहले पारो की शादी फिर अपनी। जानकी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस घर को सजाने के लिए ऐसा नगीना लाओगी। नगीना नहीं धरती का चांद है चांद। एसीपी साहब चांद चाहे आकाश का हो या धरती का उसमें दाग तो होता ही है। और फिर ये चांद तो सर से पांव तक दागी है। राणा साहब आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा कर जिस चांद से आप अपने घर का आंगन जगमगाना चाहते हैं वो चांद सिर्फ तमाशबीनों की महफिलें ही जगमगा सकता है। राणा साहब अगर आप इस घर में मेहमान ना होते तो आप जिंदगी भर पछताते रहते कि कुदरत ने आपके साथ कितना गंदा मजाक किया है। राणा साहब मेरी होने वाली बहू के बारे में क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? सिर्फ इतना कि तुम्हारी होने वाली बहू का जिस्म जेवरों से सजाने के लिए नहीं बल्कि कोठों की महफिलें जगमगाने के लिए है। राणा साहब सच हमेशा कड़वा होता है। मेरी बातों का यकीन नहीं होता तो जाइए कमाठीपुरा गली नंबर 18 और कोठा नंबर 17 पर इसका इतिहास पूछिए। अपनी जुबान को लगाम दो राणा। एसीपी साहब इस शहर में किस किस की जुबान को लगाम देंगे आप? शंकर जरा बता दो इन्हें क्या औकात है इस लड़की की? ये मेरी मुंह बोली बहन है। अरे बहन तो तुम्हारी है समाज की नजरों में इसकी असलियत क्या है बता दो इन्हें। ये जात पात और पेशा समाज के बांटे हुए लेवल है राणा साहब। मतलब असलियत छुपाने के जुर्म में तुम भी शामिल हो? मैं बताता हूँ एसीपी साहब ये लाल पीली रोशनियों के बाजार में बार बार बिकने वाला वो खिलौना है जिसे एक रात की दुल्हन तो सभी बनाना चाहते हैं लेकिन घर की बहू आप जैसे लोहे के कलेजे वाले ही बना सकते हैं। राणा इसके आगे एक भी लफ्ज कहा तो तेरी आवाज सुनने के लिए तेरी औलाद तरस आएगी। छोड़ दो उसे। ये तुम क्या कर रहे हो शंकर? अरे आज तो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। सच्चाई की बिजली गिरती है तो आदमी इसी तरह झुलस उठता है। जानकी क्या तुम ये सब जानती थी या राज ने तुमसे छुपाया? बोलो जानकी बोलो क्या तुम जानती थी कि पारो का खानदान कौन सा है उसके मां बाप कौन है? बोलती क्यों नहीं जानकी? इस तरह से तिल मिलाने का कोई फायदा नहीं एसीपी साहब। कोठे पर पलने वाली औलाद की ना तो कोई मां होती है और ना ही कोई बाप। भिखारी की झोली में पड़ा हुआ सिक्का किसका है वो भिखारी भी नहीं जानता। राणा साहब मैं हूं वो जन्म जली मां इस बदनसीब बच्ची की जिसे मैं आज तक बता नहीं पाई कि इसका बाप कौन है। मगर राणा साहब अब आप मुझसे पूछिए कि कौन है वो जन्म जला जिसने इस फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया। मुझसे पूछिए राणा साहब कि इसकी रगों में मेरे साथ किस गंदे बाप का खून दौड़ रहा है। पूछिए राणा साहब कौन है वो अय्याश जिसकी अय्याश आज मेरी बेटी के माथे पर गुमनामी का दाग बन के रह गई। पूछिए पूछिए राणा साहब
मेरी झोली में फेंका गया ये सिक्का किस अमीरजादे का है? राणा साहब, वो भिखारी की झोली तो मैं हूं, लेकिन उसमें उछाला हुआ सिक्का आपका है, आपका राणा साहब। जी हाँ, और उसका सबूत है चंदनपुर का वो अस्पताल जहाँ आज भी पारो के बाप के नाम की जगह आपका नाम लिखा है, आपका। बदसात, दो कौड़ी की नचनिया, बंद कर अपनी जुबान को। क्यों? क्योंकि आज ये जुबान भरी महफिल में आपका दामन तार तार करने पर उतर आई है, इसलिए। एसीपी साहब, ये हमारी बेटी है, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, गुनहगार मैं हूँ, इसका ये बाप है। हरामखोर, तूने और तेरी बेटी ने दुनिया की नजरों में मुझे गिराने का अच्छा नाटक रचा है। तुझे इसका भुगतान देना पड़ेगा, याद रखना, तुझे इसका भुगतान देना पड़ेगा। राणा साहब, आपने अपनी बेटी का रिश्ता तो तोड़ दिया, मगर हमारे बाजार की रस्म मत तोड़िएगा। हमारे कोठे की दुनिया में जब कोई लड़की जवान होती है तो उसके नथ उतारने की रस्म की जाती है, और इस पहली रात के लिए आप जैसे अय्याश शौकीन इंसान अच्छी खासी रकम दे जाते हैं। इस रकम में पैदा करने वाले बाप का भी बराबर का हिस्सा होता है, तो आप भी कोठा नंबर 17 में आकर अपना हिस्सा जरूर ले जाइएगा राणा साहब। एसीपी साहब, मेरी बच्ची तो गंगा की तरह पवित्र है, इसे अपना लीजिए, भगवान के लिए, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसे देने के लिए मेरे पास आंसू और आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं। माँ, मैं क्या करूं? माँ, रोमत रोमत, आंसुओं से तकदीर की स्याही नहीं मिटती। हमारे लिए तो कोठा ही मायका है और कोठा ही ससुराल। चल बेटी। हेरे, जानकी, रात से कहो कि पारो को सगाई की अंगूठी पहना दे। आओ बेटी। चंदनपुर का वो अस्पताल जहां आज भी पारो के बाप के नाम की जगह आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपका। कमीनी, हमने तेरे साथ जवानी की रंगीन रातें बिताई थी, तो तेरे बिस्तर पर रंगीन नोट भी बिछाए थे, तेरी हर गर्मा गर्म सांस की हमने गर्मा गर्म कीमत भी अदा की थी, और तू हमारी उन मेहरबानियों को काले कर्मों का नाम देकर सरे बाजार ढिंडोरा पीटने लगी है। जहरीली नागिन, हमने तेरा फन भी देखा, तेरी फुंकार भी सुनी, तू हमें डसने से पास नहीं आएगी, तुझे पैरों तले कुचलना ही पड़ेगा। हम जैसी औरतें मर तो उसी दिन जाती हैं जिस दिन इन कोठों की सीढ़ियों पे आती हैं। हाँ, जनाजा कई सालों बाद निकलता है, तो समझ लो आज वो दिन आ गया। अपनी औलाद को अपना नाम देने की बजाय तू एक माँ को मौत का नाम दे रहा है। जा, जा, मेरा श्राप है तुझे कि तेरी मौत इतनी घिनौनी होगी, तेरे शरीर से तेरे भयानक पापों की वो बदबू उठेगी कि सारा शहर तेरी लाश पे अपने दरवाजे बंद कर लेगा। तुझे कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा राणा। माँ जी, मैं शंकर हूँ, दरवाजा खोलो। नागिन, लगता है ये भी किसी सांप का सपोला है। जा जाकर दरवाजा खोल। लेकिन अगर तूने जुबान खोली तो पहली गोली शंकर के सीने के पार होगी, दूसरी तेरे और तीसरी तेरी बेटी पारो के सीने में। जा। माजी। शंकर बेटा, तुम? माजी, शंकर की जिंदगी एक तलाश थी, मैं जी रहा था किसी को मौत का तमाशा दिखाने के लिए। मैं कुछ कुछ समझी नहीं बेटा। तुमने भरी महफिल में चंदनपुर का नाम लिया था, और मुझे चंदनपुर के एक जले हुए चेहरे के बारे में जानना है। तुम किस चेहरे की बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस जले हुए चेहरे की बात कर रहा हूँ जिसने हमारी तकदीरें जला दी,
चंदनपुर के ठाकुर का वो जला हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर एक नकली आंख थी, सर पर लंबे बाल थे, उस चेहरे की बात कर रहा हूं। नहीं बेटा, मैं ऐसे किसी ठाकुर को नहीं जानती। ये तुम नहीं माँ जी, उसका डर बोल रहा है। लेकिन शंकर तुम्हारी रक्षा करेगा, सिर्फ एक बार मुझे एक बार बता दो कौन है वो। मैंने कह दिया ना कि मैं ऐसे किसी ठाकुर को नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूं। जिस तरह उस रात मेरी एक आंख में उसकी शक्ल छप गई थी और दूसरी आंख में तुम्हारी, तुम्हें वो किस्सा जरूर याद होगा, जिस रात एक 12 साल के बच्चे ने चंदनपुर के ठाकुर के चेहरे पर एक जलती हुई चीता की लकड़ी दाग दी थी, याद है? मैं वही बच्चा हूं, चंदनपुर के इंस्पेक्टर आनंद का बेटा, जिसके दिल में आज भी अपने परिवार की जलती हुई चिताओं की आग भड़क रही है, जो उस ठाकुर के खून से पूछ कर निशान। माजी, माजी, बोलो माजी, बोलो, बोलो माजी। राणा, पारो की मां के कातिल शंकर, बोल, पारो की मां का खून तूने क्यों किया? बोल। नहीं शंकर। नहीं साहब, जब तक ये चंपा बाई के खून को कबूल नहीं करेगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, क्योंकि चंपा बाई चंदनपुर गांव के ठाकुर की खास अकेली थी, और वो ठाकुर जिसका चेहरा मैंने अपने माँ बाप की चिता की जलती हुई लकड़ी से जलाया था, वो मुझे मेरे परिवार के कतिल का पता बताने वाली थी, लेकिन इस राणा ने उसका खून कर दिया। तुम्हें तुम्हारी बहन पारो की कसम, कानून को अपने हाथ में मत लो। अगर इन्होंने गुनाह किया है तो इन्हें सजा जरूर मिलेगी। राणा साहब, जब तक चंपा का कातिल पकड़ा नहीं जाता, आप ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, समझे आप? चलो मेरे साथ, चलो। पानी सर के बहुत ऊंचा हो गया है, अब तो इसको भी इसके माँ बाप के पास पहुंचाना होगा। कौन हो तुम लोग? तुम्हारा पाप। और एक 11 होते हैं, सही कहते हैं। मेरे दो दुश्मन 11 के बराबर थे, एक की किस्मत का तारा तो मैंने तोड़ दिया, दूसरा बचा एसीपी, उसे भी ऐसा तोड़ूंगा कि दोबारा बनने से पहले 1000 बार सोचेगा। एसीपी याद रखना, मैं तुझे ऐसे चक्करव्यूह में डालूंगा कि तू खुद अपनी चिता की लकड़ियां इकट्ठा करता फिरेगा,
मगर अफसोस तेरी चिता को आग देने वाला कोई नहीं होगा। अरे मैं तो अपना पर्स लेना ही भूल गई, अभी लेकर आती हूं। अरे पारो भाई ये क्या, कोठे की रौनक, अस्पताल की सीढ़ियों पर, डॉक्टर लोगों को अपनी जवानी के झटके दिखाने आई हो? ए बदतमीज, तमीज से बात कर, ये तो एसीपी विजय प्रताप की घर की होने वाली इज्जत है। मगर ये क्या, दूसरी औरतें तो शादी के 9 महीने बाद ही आती है, तुम तो अभी से पहुंच गई। अरे 10 जगह मुंह मारने वाली बिल्लियों का क्या भरोसा। किसी का गर्भपात कराने आई थी क्या, या किसी के रेडीमेड पाप से राज को बाप बनाने का इरादा है? रंजीत बंद करो ये गंदा घिनौना मजाक, वरना जबान खींच लूंगी। भाभी जी किन किन की जबानें खींचेंगी आप, जितनी निगाहें देखेंगी उतनी ही जबानें बोलेंगी भी। और हाँ, क्यों कोठे की आग से आप अपने घर का आंगन जलाना चाहती हैं? अरे चुप कर यार, ये औरत तो पुण्य का काम कर रही है, मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं यार, ये तो 1990 का फैशन है। अरे अब देखना ये मुजरा नाच गाना एसीपी साहब की कोठी पर ही हुआ करेगा। चलो पारो बेटी। वाह भाई वाह, तुम जवानों की खून की गर्मी से तो आग भी घबराती होगी, शाबाश। हमने जैसा कहा था तुमने वैसा ही कर दिखाया। अंकल जरा सी हिम्मत और ताकत और दे दो हमें, फिर देखना कि सारा शहर एसीपी के मुंह पे थूकने लगेगा। तब तो हमारे दामाद बनने का सेहरा तुम जैसे बेबाक जवान के सर पर ही होना चाहिए। उस दो कौड़ी के रंजीत की ये मजाल कि उसने मेरी दोस्ती पर ऐसा जूता मारा, मैं उसे राज, राज रुक जाओ राज। नहीं भाभी माँ, जिस तरह रंजीत आप लोगों की इज्जत से खेला है मैं उसी तरह उसके खून से होली खेलूंगा। भाभी हट जाओ। रंजीत कहाँ है? आपन को नहीं मालूम? तुझे नहीं मालूम? क्या हुआ जानकी, ये बाहर से कड़ी अंदर से हंगामा क्या हो रहा है? आप वक्त बिल्कुल जाय मत कीजिए, जाइए राज को रोकिए। राज क्या हुआ राज को? रंजीत ने बीच बाजार में मेरा और पारो का मजाक उड़ाया है, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, और ये सुनकर राज के दिल में आग भड़क उठी है। रंजीत आज तक तो तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर काशीकर हमारे रिश्वत के टुकड़ों पर कानून के टुकड़े टुकड़े करता रहा है, और आज तुमने एसीपी विजय प्रताप की पत्नी और होने वाली बहू की इज्जत के ऐसे टुकड़े किए हैं कि एसीपी का भाई राज तुम्हारे टुकड़े करने के लिए निकल पड़ा है। मगर राणा साहब, आप जैसे ससुर की छत्र छाया में तो यमराज भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। होने वाले दामाद का ख्याल होने वाले ससुर से ज्यादा और कौन रख सकता है? इसलिए दामाद जी हमने तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह चुनी है जहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, वहां तुम्हारे लिए हमेशा शांति ही शांति रहेगी। रंजीत, रंजीत, राज, राज, ये क्या किया तुमने? नहीं भैया, ये मैंने नहीं, जब मैं आया तो पहले से ही ये इसे... नहीं, नहीं राज, अब तो इसका फैसला अदालत ही करेगी। मर गया राणा साहब, मैं मर गया, ये मेरे बेटे का अर्थी नहीं, ये मेरा अर्थी है। मेरा जिंदगी एकदम खलास हो गया राणा साहब,
मेरा जिंदगी एकदम खलास हो गया। काशिकर, ये सब उस कमीने एसीपी के भाई राज ने किया है। कातिल बहुत मक्कार है काशिकर, कानून से बच निकलने की पूरी कोशिश करेगा वो। नहीं राणा साहब, मेरे बेटे का आत्मा को तभी शांति मिलेगा जब मैं उस खूनी को सजा दिलाएगा। दिलानी ही चाहिए। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना काशिकर, हम और हमारी सारी दौलत हमेशा तुम्हारे साथ है। राणा साहब। तू क्या बोल रही बिजली? राज पर खून का इल्जाम और गिरफ्तार करने वाला उसका अपना भाई एसीपी विजय। नहीं, राज किसी का खून नहीं कर सकता। कानून उसे सजा देकर मेरी बहन को विधवा नहीं कर सकता। शंकर भैया, हम खुद परेशान थे कि क्या करें। आज कई दिनों के बाद तो आपको होश आया है। अगर ये संगीता तेरे को बचा कर नहीं लाती तो मैं कब का खलास हो गया होगा। संगीता जी, आपने एहसान करके सिर्फ मुझे ही नहीं मेरी बहन के मंग के सिंदूर को भी बचाया। अब मैं राज को बेगुनाह साबित करने के लिए न्याय की दीवार से भी टकरा जाऊंगा। मैंने कोई खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। आप तो मेरा यकीन कीजिए। मेरी कोशिश तो मैं बहुत जल्द बेगुनाह साबित करके ही रहेगी। वाह एसीपी साहब वाह, सलाम करता हूं आपको, आपके उसूलों को, आपके आदर्शों को। वाकई ये वर्दी पहनकर सर उठाकर जीने का हक है आपको, लेकिन इंसाफ और कानून की चौखट पर आपको अपने बेगुनाह भाई की बलि चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। शंकर, मेरे अधिकार और मेरे उसूल मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जिंदगी में अपने फर्ज की ऊंचाई से भी ऊंचे कारनामे किए हैं और आज अपने बेगुनाह भाई को सजा दिलवाकर आपका एक और कारनामा मशहूर हो जाएगा। आपकी इस वर्दी पर एक सुनहरा मेडल और लग जाएगा, मगर वो मेडल नहीं, एक बेकसूर इंसान के खून में डूबा हुआ आपके अंधे कानून के गाल पर एक ऐसा तमाचा होगा जिसकी आवाज आखिरी सांस तक आपके जमीर को धिक्कारती रहेगी। शंकर, हम कानून वाले जोश से नहीं बल्कि अकल, सबूत और मौका वारदात के हालात को नजर में रखकर बात करते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता कानून की कुर्सी किस चीज का नाम है। इसके बोझ के तले रिश्ते, जज्बात दम तोड़ देते हैं, समझे? मुझे आपकी कुर्सी पर बैठने की कोई तमन्ना नहीं, ना ही उसका वजन तोलना है, लेकिन आपके अंधे कानून के हाथों मैं राज की गर्दन नापने नहीं दूंगा, ना ही उसका सुहाग उजाड़ने दूंगा जिसे अपनी बहन माना है। आपका कानून जिंदा रहे या ना रहे, मैं अपने मरते दम तक मेरी बहन के सुहाग राज को मनने नहीं दूंगा। मेरे बेटे का खूनी, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। एक शिकर, मैं नहीं छोड़ेगा। मैं तेरे को एक दिन खलास करेगा, कब तक बचेगा? जानकी देवी, क्या ये सच नहीं है कि आपके देवर राजू ने आपके सामने चिल्लाकर कहा था कि मैं रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसका खून कर दूंगा? बोलिए, मकतूल ने यह कहा था कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हाँ जज साहब, ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। बोल, रंजीत का कातिल कौन है? बोल, मुझे नहीं मालूम। बोल, नहीं मालूम। बोलिए पारो देवी, राज ने जानकी जी के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं रंजीत का खून कर दूंगा, उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, कहा था ना? जवाब दीजिए, कहा था ना? हाँ, मगर मुझे नहीं मालूम। रंजीत का असली कातिल कौन है? बोल। मैं नहीं जानता रंजीत का कातिल कौन है। कौन है? बोल, रंजीत का असली कातिल कौन है? मैं नहीं जानता। बोल, मैं नहीं जानता। बोल, रंजीत का असली कातिल कौन? नहीं मालूम। बोल। तमाम गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राज सिंह ने रंजीत का कत्ल किया है, इसलिए यह अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत राज सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं जज साहब, नहीं, मैं बेकसूर हूं जज साहब। यस। भाई वाह,
हमारे एक ही बार से काशीकर का बेटा भी मारा गया और एसीपी का भाई भी कानून के शिकंजे में आ गया। राणा साहब, कहीं काशीकर को पता चल गया तो वफादारी की दुम हिलाने की बजाय दांत काटना शुरू कर देगा। नोटों की हड्डियां चबाने वाले कुत्ते अपने खून के रिश्ते की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ नोटों से ही होता है। राणा! काशीकर? मैं तेरा रिश्ता मौत से जोड़ने आया है। राणा, तेरे को कानून से बचाने के वास्ते मैंने कदम कदम पर कानून को धोखा दिया। अरे, तेरा गला बचाने के वास्ते मैंने कानून का गला दबाया और तूने मेरा बेटे को मार दिया, मेरा बेटा रंजीत को मार दिया। अरे, एक तो बेटा था मेरा, ये भाड़िया, ये कुत्रिया, अरे मैं तेरा जिंदगी खलास कर देगा, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं रे, जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे बेटे का कातिल है तू, ये कुत्रिया, ये भाड़िया, ये छोड़ दे मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे को मार डालेगा। काशीकर, जानते हो जब कुत्ता पागल होकर हड्डियां खिलाने वाले मालिक पर झपटता है तो मालिक उस कुत्ते का क्या हशर करता है? राना, हशर तो मैं तेरा राना, मेरा वफादारी का बदला बराबर दिया रे। डैडी, नहीं नहीं राना, नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता राना। राना काशीकर, क्या हो गया तुम्हें? किसने की तुम्हारी हालत? राना ने, शंकर, राणा ने मेरे बेटे रंजीत को मारा। कहाँ राणा, कहाँ है? वो शहर छोड़ के जा रहा है, उसे रोकने का काम सिर्फ एसीपी साहब कर सकते हैं। ये सब क्या है? आपके भाई की बेगुनाही का सबूत है ये। क्या मतलब? इसका बयान है कि इसके बेटे रंजीत को मारने वाला आपका भाई राज नहीं बल्कि राणा है। इंस्पेक्टर, इसे अस्पताल ले जाओ जल्दी जल्दी। मैं इस बयान पर कैसे विश्वास कर लूं? एसीपी साहब, मैंने काशीकर की जुबानी अपने कानों से सुना है। शंकर, जब तक कानून गवाह की गवाही अपने कानों से सुन नहीं लेता वो किसी बात पर यकीन नहीं करता, फिर चाहे वो कोई मेरा पिता हो, मेरा बेटा हो, मेरा भाई। किस अंधे कानून की बात कर रहे हैं आप, जो आंखों में काली पट्टी बांधे, हाथों में इंसाफ का तराजू लेकर मेरी बहन के सुहाग को सफेद कफन पहनाने का ऐलान कर रहा है? झूठे गवाह और झूठे सबूतों की आड़ में मुजरिम जिसके साथ आग बिछोली खेलता है वो कानून, जो आंखों में काली पट्टी बांधे, बेगुनाहों को फांसी की सुली पर चढ़ा देता है। बस कर शंकर, बस कर, बहुत मजाक उड़ा चुके हो तुम कानून का। ये मजाक नहीं, चलती हुई सच्चाई की दहकती हुई आग है जिस आग ने तुम्हारे कानों के पर्दे को जला दिया है, मगर हकीकत तो ये है कि तुम्हारा कानून मोहताज है गवाह का, सबूत का। देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, पहचान तो मुझे, मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसे तुम्हें तुम्हारे कानून को, इस समाज को तलाश है, जो तुम्हारे सबके माथे की पसीने की बूंद बना हुआ है। मैं वही नंबरी आदमी हूं, वही दिलदार खान हूं जिस तक तुम्हारी पुलिस अब तक ना पहुंच सकी, और ना ही तुम्हारे पास कोई सबूत है मेरे नंबरी आदमी होने का। सबूत है शंकर, तुम्हारा अपना एक बाले जुर्म का। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं, जब तक राणा गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं अपने आप को गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दुनिया की कोई भी दीवार मुझे रोक नहीं सकती, और शंकर तो मौत की दीवार को गिराकर राणा तक जरूर पहुंचेगा। नहीं, डैडी, छोड़ दीजिए मुझे। Thank you.
जल क्यों नहीं रहा है? इंजन में कुछ गड़बड़ हो गई साहब। विजय प्रताप, मुझे मिटाने के ख्वाब देखने वाले, तुझे मैं ऐसी नींद सुलाऊंगा कि जिसमें ख्वाब ही नहीं होते, और वो है मौत की नींद। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? गोलियां निकल चुकी हैं, 24 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। चलो। दरवाजा खुला, निकली, टांगे हिली, अरे आई एम सोल्ड एंड टेबल पे टांग लग चलेगी, क्या कंप्लेन है? दूसरी टांग यानी कि टांग पे टांग लगता है कंप्लेन टांग की है, जरूर किसी टंगड़ी मारने तुम्हें टांग मारी है, इसीलिए तुम टंगड़ाती टंगड़ाती पुलिस स्टेशन तक चली आई हो। मैं जरूर तुम्हारी कंप्लेन लिखूंगा टांग की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं TANG टैंग। ए हवलदार, इंस्पेक्टर को हवलदार, मगर तुम्हारे मुंह से चलेगा गुले गुलजार। बोलो बोलो क्या है? हमारा कंप्लेन टांग का नहीं है। तो फिर किसका है? हमारा दिल धड़कता है, हाय हाय हाय, हमारा आंख फड़कता हाय 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 हाय, हर जगह से हाय 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 की आवाज आ रही है, यानी कि ये सेक्शन है हाय 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 हाय। हमारा भी शादी नहीं हुआ है, हमको भी 4-5 साल से यही हाय 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 की बीमारी हाय। ये कौन? अरे धारी बाटली का बुझ मारो, ए काय कर रहे? अरे हाँ ये हट, दो लोग बात करते हैं भोंकता है। जात बिरादरी ने पहचाने हैं, इसलिए थारे साथ भोंके हैं। हाँ क्या बोल रही है? ए हवलदार, हाँ मन ने कैसे छू लियो रे, मारा तो अंग अंग बोले है रे, बोले है रे। अरे तने भी वही बीमारी है जो मैम साहब को है, आके दिल धड़के है, आंख फड़के है, अरे और टांग लचके है, लचक 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 लचक। ए गोरी मैम साहब, इसको भी वही बीमारी है जो तुमको है, बीमारी एक जैसी हो सकती है। अब हम तुम दोनों का डॉक्टर बनकर अंदर इलाज करेगा, आओ। आएगा आएगा पोरगी पोरगी पोरगी, तुला काय झाला? मला मला वाटते मला काय तरी झाला रे। अरे गडबड घोटाला रे, तुला पण वही झाला रे जो इन दोनों को झाला, के दिल धड़कता है, आंख धड़कता है, एक अनार और तीन बीमार बंटा धार। पहले हम आया, पहले हमारा कंप्लेंट लो, हमारा लेगा ना कंप्लेंट, पहले मारे ले लो ना कंप्लेंट, कंप्लेंट बने बोले माजी गे उन तक ना, पहले हमारा कंप्लेंट लो ना, ना ना लेगा ना, पहले मारे ले लो ना, हां थारी ले लेंगे बाबू ले, कमा दे दिया तुला चुम्मा पाजी काय, अरे हे घे ना माजा गाँव थे चुम्मा, अरे गाँव थी चुम्मा, पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मारे कंप्लेन, हवलदार आई केव यू ऑन फर्स्ट, बोले अरे भाव नो बोले 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 लड़कियां 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 लड़कियां, कहां गई लड़कियां, कहां गई, कहां गई लड़कियां? अरे लड़कियां, अरे अरे
शंकर भाग गया। शंकर बाहर, मैं अंदर। शंकर ने कानून के कपड़े फाड़ डाले। आईजी साहब, राज बेकसूर है। मेरे बेटे का कातिल राणा है, राणा। और मैं अपने डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा गद्दार हूँ। इंस्पेक्टर आनंद श्रीवास्तव के साथ गद्दारी की थी जब चंदनपुर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आनंद श्रीवास्तव का फोन आया। हेलो काशीकर, हेलो आनंद श्रीवास्तव स्पीकिंग। ठाकुर शमशेर सिंह का ड्रग से भरा हुआ वैन इधर आ रहा है, या पुलिस फोर्स को काली घाटी भेज दो। आई रिपीट, पुलिस फोर्स को काली घाटी भेज दो। ठाकुर साहब, आओ ठाकुर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारी बेईमानी का कलेजा चीर के रख दिया। ठाकुर, तेरी ड्रग से भरी हुई वैन अब कानून के कब्जे में। ड्रग्स? खुद ही देख लो इंस्पेक्टर, हमारी वैन में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुमने पकड़ लो इस ठाकुर के बच्चे को, पकड़ लो, पकड़ लो। ये मुझे नहीं, तुम्हें मारेंगे इंस्पेक्टर, क्योंकि ये पुलिस तुम्हारी नहीं, मेरी है। मारो हरामखोर को। आई जी साहब, राणा ही वो ठाकुर है, शंकर के पिता का कातिल। अंकल आप? हाँ राज, काशीकर के बयान के मुताबिक खूनी तुम नहीं राणा है, जो तुम्हारे भाई की नाजुक हालत का भी जिम्मेदार है। भाभी, भैया को इस हालत तक पहुंचाने वाले को मैं चुके हो कि तुमको क्या करना है। आईजीपी साहब, राणा को इस दुनिया की कोई भी अदालत सजा नहीं दिलवा सकती। राणा, चलो चलो चलो। Thank you.
देख इन समाधियों को, ये तेरे गुनाहों की गवाह है। पूछ इनसे, ये तेरे कौन से गुनाह की गवाह है? याद आया? नहीं ना, मैं तुझे याद दिलाता हूं। ये वो समाधियां हैं जो तुझ जैसे मुजरिमों की चिता जलाने के लिए जी रही थी। ये वो चमकता हुआ सूरज था जिसे आग मिलाते हुए गैर कानूनी दुनिया अंधी हो जाया करती थी, जिसका नाम था इंस्पेक्टर आनंद श्रीवास्तव। ये उस देवी की समाधि है जिसने तेरे कदमों में अपना सर रखकर अपने सुहाग की भीख मांगी थी, लेकिन तूने उसे ठोकर मारी थी। ये मेरी मासूम बहन की समाधि है जिसे तूने डोली की बजाय पार्थी पर सजा दिया, और नशे का इंजेक्शन देकर तूने इसकी इज्जत को तार तार कर दिया। आज मेरी मासूम बहन की एक एक चीख इंतकाम लेने के लिए पुकार रही है। बेटी, मुझे इसे बचा ले। बेटी बेटी, वाह, अपने कर्मों का फल सामने आया तो हराम की औलाद बेटी बन गई। तू तो मेरी असली बेटी है, मुझे इस राक्षस से बचा ले बेटी। बिजली बेटी, तू मुझे बचा ले। बेटी, अरे बेटी, माँ और बहन क्या, इस दुनिया का हर जानवर तुझसे नफरत करता होगा। हेरोइन जैसे नशे से मेरे भाई जैसे न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने। आज तक दौलत और ताकत के बल पर तू दुनिया को नचाता रहा, आज ये शंकर तुझे नचाएगा। मुझे नचाने आया था हरामजादे, दुनिया को नचाने वाले कभी खुद नहीं नाचते। अठारह साल पहले तेरे बाप को इसी कुएं के साथ बांधा था, आज तेरी बारी है, बांधो इसे। जैसे तेरी बहन को ड्रग का इंजेक्शन दिया था, वैसे ही यह नशा तेरी महबूबा की नसों में उतारूंगा, और वो पागल होकर इस तरह नाचेगी कि हम सब पर नशा छा जाएगा। मेरे नाचा इस बाप, अगर नाच और जिस्म देखना ही है तो इस बेटी का देख। दुनिया की जवानियों को नचाने से पहले इस बेटी की जवानी का नाच भी देख ले। संगीता, come on Rana, let them dance, नाच लो। We'll be right back.
रहा हूं। अरे जिसने किया है खुदाई का दावा, जमाने में उसका निशा तक नहीं। मैं तुम सबको मिटा के रख दूंगा। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है ये जमाना, जमाने से हम नहीं। शंकर नहीं, नहीं आजी भी साहब, इसके गंदे खून से अपने हाथ छोड़ दीजिए मुझे। इसके चेहरे पर मेरे परिवार का खून छलक रहा है और आज खून का हिसाब खून से होगा। नहीं शंकर, इसकी हत्या से कानून तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इसकी हत्या के बाद मुझे जीने की भी तमन्ना नहीं है आजी भी साहब। माँ के दूध का हक चुकाना है, बाप के खून का कर्ज चुकाना है और मेरी बहन की सासों का गुनहगार ये शरीर। इसी दिन के लिए तो शंकर ने जीवन को गले लगाया। कभी शंकर टैक्सी ड्राइवर, कभी दिलदार खान और कभी नंबरी आदमी बनकर कानून की किताबों में जीता मरता रहा
और आज इसकी हत्या के बाद मेरा सफर खत्म होता है। नहीं शंकर, नहीं, छोड़ो। शंकर, तेरे खानदान के साथ तेरी समाधि बनाना तो मैं भूल ही गया था। उनकी मौत की गवाह तो नकली पुलिस थी, लेकिन तेरी मौत की गवाह असली पुलिस होगी। मेरी लाश पर अपने इंतकाम का सफर खत्म करने वाले, तेरी लाश पर मैं अपनी दुश्मनी की मंजिल कैसे खड़ी करता हूं देख। बेटी, हरामजादे। संगीता, संगीता, संगीता। शंकर, उस दिन तुम्हारे साथ पहली बार भी जिंदगी का मजा आ गया था, और आज आखिरी बार भी। संगीता, मेरे दोस्त, तुम्हारा ख्याल गलत निकला। वर्दी कभी गलत नहीं होती, वर्दी पहनने वाला शायद गलत हो सकता है। शंकर, एक बहादुर बाप के बहादुर बेटे को पुलिस में ही होना चाहिए, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द तुम्हें वो वर्दी दें जो उन्होंने एक ईमानदार और फर्ज पे जान कुर्बान कर देने वाले आनंद श्रीवास्तव को दी थी।